हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और इस चैनल पर मैं आपके लिए कुछ नया नया लेकर आती रहती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो डाली थी KDP में आप किस तरह से बुक को पब्लिश कर सकते हैं और कैसे आपने उस बुक की मार्केटिंग करनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो में दी थी। ये वीडियो भी KDP से ही रिलेटेड है, Amazon KDP पब्लिशिंग से ही रिलेटेड है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब आप ई बुक को अपलोड करते हैं तब आपको एक छोटी सी एरर आ सकती है, उस एरर को आपको कैसे रिजॉल्व करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ई बुक अपलोड कर रहे हैं तो आपने उसे या PDF फॉर्म में या फिर डॉक फॉर्म में बनाया होगा, तो आपके सामने एक एरर आ सकती है। वो एरर क्या है और उसे कैसे रिजॉल्व करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आप जब KDP में पब्लिश करने के लिए ईबुक प्रिपेयर करते हैं तो आप उसका मैन्यूस्क्रिप्ट आपको अपलोड करना होता है, और वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है आप आइदर PDF फॉर्म में बनाते हैं या फिर डॉक फॉर्म में बनाते हैं। अगर तो आपने उसे डॉक फॉर्म में बनाया है देन इट्स ओके, लेकिन अगर आपने उसमें PDF फॉर्म में बनाया है और उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं तो हो सकता है कि आप जब अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को अपलोड करें तो आपको ऐसी कुछ एरर दिखाई दे। ये एरर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की है। हो सकता है आपको कुछ ऐसी एरर डिस्प्ले हो जिसमें कि Amazon आपसे चाहता है कि आप जो फाइल आपने अपलोड की है वो फिक्स्ड फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, इसीलिए वो फिक्स्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। और फिक्स्ड फॉर्मेट में उसे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको Amazon का ही KDP एडिटर डाउनलोड करना है और उसमें से एक्सपोर्ट करनी है, उसमें सब कुछ फिक्स फॉर्मेट बना के। तो अगर तो आपने इसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाया है, ठीक है, तो इट्स ओके, क्योंकि KDP एडिटर में डॉक फाइल्स ही अपलोड होती हैं, ठीक है, डॉक फाइल्स ही अपलोड होती हैं। लेकिन अगर आपने PDF फॉर्म में बनाया है तो आपको पहले अपनी PDF फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब छोटी सी फाइल होती है तो ये बहुत आसानी से फटाफट से कन्वर्ट हो जाता है PDF टू डॉक्यूमेंट फाइल, राइट। लेकिन अगर आपकी फाइल लार्ज है तो आप क्या करेंगे, PDF को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि PDF टू डॉक्यूमेंट कन्वर्टर हैं। लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनका साइज जो होता है वो लिमिट होता है, और हो सकता है आपकी ईबुक का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि इसमें इमेजेस हैं बहुत सारी, इसीलिए हो सकता है जो सर्च अगर आप करेंगे PDF टू डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, उसमें जो ये सारी लिस्ट आएंगी वेबसाइट की, हो सकता है इनमें जो डेटा है कन्वर्जन का, एक लिमिटेड साइज की फाइल ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्री में प्रो वर्जन में आप हो सकता है कि कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने भी जब ट्राई किया था मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी फाइल भी थी जो पड़ी थी, बट मुझे प्रो वर्जन नहीं लेना था क्योंकि ईयरली मुझे एक या दो फाइल्स के लिए मैं ईयरली क्यों पे करूँ। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को ट्राई किया था, उसके बाद लकीली मुझे एक वेबसाइट मिली जिसमें अनलिमिटेड डेटा आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसमें सब्सक्रिप्शन मुझे लेना भी पड़ता तो दैट वॉज जस्ट फॉर 63 रुपीज, और 1 मंथ के लिए मैं उसमें ले सकती थी, तो वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। बट इसमें वेबसाइट में आप कन्वर्ट फ्री कर सकते हैं फ्रॉम PDF टू डॉक इजीली, थोड़ा टाइम लेगा बट आपकी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है।
तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस वेबसाइट का नाम बता दूंगी जिस पे आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाफट से उस वेबसाइट पर जाइए, अपनी बुक को कन्वर्ट कीजिए और आगे अब आपको क्या करना है, जब डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तब आपको KDP एडिटर को डाउनलोड करना है। KDP का एडिटर का URL कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और इसे डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और फिर इसमें आपको अपनी फाइल को ओपन करके इसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो ये वही एडिटर है जिसे आपको इंस्टॉल करना है और इसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है और फॉर्मेट करने के बाद आपको इसे एक्सपोर्ट करना है इसमें फाइल को। तो जब आप किंडल क्रिएट एडिटर से फाइल को डाउनलोड कर देंगे तो इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी KPF, किंडल पैकेज फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में आपकी फाइल सेव हो जाएगी, एक अलग से फोल्डर बन जाएगा। जब आप सेव करेंगे तो एक अलग से फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर में ये फाइल जो होगी वो सेव होगी। आप उस फोल्डर में से फाइल को अपलोड करने की जब कोशिश करेंगे तब आपको अपलोड हो जाने के बाद, प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आपको इस तरह का सक्सेस मैसेज जो है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आपकी ईबुक जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी तो अपलोड करने के बाद आप जब नेक्स्ट इसकी डिटेल्स को फिल करने के लिए नेक्स्ट टैब पर पहुंचेंगे जहां पे आप इसकी प्राइस वगैरह भी देंगे, वहीं पर एक छोटी सी ऑप्शन आती है कि आप अपनी इस ईबुक को किंडल सेलेक्ट के लिए इनरोल करवा सकते हैं, यानी 3 महीने तक आपको फ्री प्रमोशन मिलेगा आपकी बुक के लिए। तो उसे इस प्रोग्राम को Amazon कहता है किंडल सेलेक्ट प्रोग्राम। तो मेरे पीछे चल रही है वीडियो, इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी बुक जो है वो किंडल सेलेक्ट के लिए एनरोल हो जाती है और आपको 3 महीने के लिए फ्री प्रमोशन मिलता है आपकी बुक का। तो आज मुझे आपके साथ इतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और आप इसे अप्लाई करके फटाफट से अपनी बुक को अपलोड कर लेंगे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन और सबसे शेयर कीजिए। तो मैं आगे किसी और वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक बाय बाय।